So, hello students, how are you doing? I hope you all are good. So, now it is a good news for all the students who uh, are studying in the class 12th as well as in 11th. So, uh, this video belongs to the class 11th and 12th. So, just be in the video. I'm just, I'm going to tell you about the syllabus. Uh, what is the new syllabus? What is the revised syllabus? As we know, that yesterday uh, HRD Minister Dr. Ramesh Bokriyal Nishank has uh, reduced the s uh, CBSC 9 to 12th class syllabus uh, by 30%. सो so, जो कि थर्टी परसेंट रिड्यूस हुआ है सिलेबस सो so, जो भी अब बचा हुआ हमारा जो सिलेबस है दैट मीन्स कि रिवाइज सिलेबस वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सो so, पहले मैं इलेवेंथ क्लास का डिस्कस करूंगा देन उसके बाद ट्वेल्थ क्लास मीन्स कि एलेवेंथ क्लास में क्या चीज़ें हमें डिस्कस करनी है पूरे जो रिमेनिंग हमारा टाइम है जो बचा हुआ हमारा टाइम है उसमें एलेवेंथ क्लास का क्या चीज़ें हमें पढ़नी है क्या चीज़ें हमारी गायब हो चुकी हैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा सिर्फ आपको ये बता दूँगा कि आ, कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं सो so, ये तो हमें पता ही है कि हमारा जो कोड है बायोलॉजी का वो ज़ीरो फोर फोर है सेशन हमें पता है कि सिर्फ ये इसी सेशन के लिए है ट्वेंटी 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 वन के लिए कभी आप सोचें कि ये लाइफ टाइम के लिए हो चुका है नहीं ये बिल्कुल क्योंकि वी नो कि कोविड नाइन्टीन डिसीज़ है कोरोना वायरस से जो है तो उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं ओके okay. सो so, uh, अगर मैं बात करूँ ये क्लास एलेवन का है तो यहाँ पर सबसे पहले ये वेटेज है यूनिट वाइज कि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें फिफ्टी uh, मार्क्स का है आपका जो फिफ्टी मार्क्स का आएगा यानी कि ये रिड्यूस हुआ है यहाँ पे यूनिट वाइज तो स्ट्रक्चर यूनिट्स हैं तो वहाँ पर जो सेकेंड यूनिट है वहाँ पे एट मार्क्स का है और सेल यानी कि आप देख सकते हैं कि जितना भी हैं ये सारे मार्क्स हैं डिटेल्स हैं आपकी uh, कितनी आपके कितने मार्क्स का किस यूनिट में से uh, आएगा, आएगा आपका पेपर में ओके okay. सो so, फिर आगे हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि आपकी फ़र्स्ट यूनिट है उसमें फ़र्स्ट चैप्टर है आपका द लिविंग वर्ल्ड इसमें से कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया गया है आपके आ, जो कि जैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ हैं तो वो वाला टॉपिक एक पूरा हटा दिया गया यहाँ से तो यानी यहाँ से काफ़ी चीज़ें एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आधा चैप्टर ख़त्म हो गया है इसमें बाकी चैप्टर टू है आपका मीन्स कि चैप्टर यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ चैप्टर यहाँ से रिमूव रिमूव नहीं हुआ है चैप्टर वन भी है टू भी है कुछ टॉपिक्स को यहाँ से अलग किया गया है आगे कुछ चैप्टर्स भी आएंगे लेवंथ में कि वो चैप्टर रिमूव ही कर दिए वहाँ से थ्री है फोर है आपको पढ़ना है सेकेंड यूनिट में फिफ्थ है सेवन्थ है आपका ओके सो सिक्स चैप्टर नंबर जो सिक्स है यहाँ से वो गायब है यानी कि वो यहाँ से बिल्कुल ही आ, हटा दिया गया है सिक्स चैप्टर तो जो कि आपका एनाटॉमी से रिलेटेड था प्लांट्स के थर्ड यूनिट है आपकी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सो एट एंड नाइन यहाँ पे दोनों टॉपिक हैं आपके दोनों चैप्टर्स हैं टेन भी है ओके सो फोर्थ यूनिट आपकी फोटो इन हायर प्लांट्स तो अगर मैं बात करूँ टेन देखो यहाँ पे टेन है और यहाँ पे थर्टीन दैट मीन्स कि इलेवन एंड ट्वेल्थ चैप्टर यहाँ से हटा दिए गए हैं सेशन इस सेशन के लिए ओके सो so, अगर मैं आगे की बात करूं कि कुछ टॉपिक्स हैं इसके अंदर तो आप देख सकते हैं कि क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं तो आप मैच कर सकते हैं आपका जो पुराना मेरी पिछली वीडियो थी एलेवेंथ क्लास की एंड ट्वेल्थ क्लास की भी है तो आप वहां पर मैच कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स है क्योंकि वहाँ पर पी फाइल भी है मेरी है और यहाँ पर भी मैं इसको अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस फाइल को सो so, मैच कर लीजिए आप अपना कौन कौन से टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर थर्टीन आपका है फोर्टीन भी है फ़िफ्टीन भी चैप्टर आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा बाकी टॉपिक्स को आप देख सकते हैं कि फिफ्टीन में से कौन से रिमूव किए गए हैं यहाँ पे क्योंकि सिर्फ ग्रोथ रेगुलेटर्स का ही नाम है बाकी आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स और भी थे जो कि डिफ्रेंशिएशन डी से काफ़ी चीज़ें यहाँ से रिमूव कर दी गई हैं फिर आता है फिफ्टीन के पास सिक्सटीन चैप्टर आपका गायब है यहाँ पर सेवनटीन स्टार्ट है देन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी चैप्टर में काफ़ी चीज़ें यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं आपका जो बोन से रिलेटेड चीज़ें थी वो यहाँ पर आ, हट गई हैं तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू बाकी सारे चैप्टर्स आपके हैं तो कुछ कुछ टॉपिक्स को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है सो आई होप कि ईजिली तरीके से मैंने इसको यहाँ पर किया क्योंकि मैं टॉपिक वाइज यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पी डी एफ फाइल्स आपकी होंगी पुराने सिलेबस से और नए सिलेबस से और वैसे भी हमें पुराने सिलेबस में अब जाना भी नहीं है आप पढ़ सकते हैं मतलब आपको कोई बोलेगा नहीं कि आप मत पढ़िए ये चैप्टर्स तो आप अपना न्यू जो सिलेबस है उसके हिसाब से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं तो ये आपका रिवाइज सिलेबस है अभी कुछ प्रैक्टिकल्स हैं तो आप हम यहाँ पे प्रैक्टिकल्स देख सकते हैं कि ये तो खैर आपको पता है कि जो इसकी वेटेज है फाइव फोर फाइव सेवन फोर फाइव ये आपका वेटेज है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है ये लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है जो कि कुछ रिमूव हुए यहाँ से नाइन टेन के करीब थे तो अब सिक्स हैं यहाँ पर कुछ आपकी ऑब्जर्वेशन वाले जो थे तो यहाँ पर वो भी हटा दिए गए हैं कुछ चीज़ें बाकी अब चलते हैं हम अपना ट्वेल्थ क्लास के पास जो कि एक बोर्ड क्लास है हम जानते हैं कि तो उनके लिए हमें देखना है कि किस क्या, क्या क्या चीज़ें यहाँ से रिमूव की गई हैं तो यहाँ पर टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं या चैप्टर्स रिमूव किए गए हैं तो देखिए यहाँ पे जो ये है ये वेटेज है मार्क्स का कि किस यूनिट से कितना आने वाला है तो ये तो आपको पता भी है कि रिप्रोडक्शन में फोर्टीन है जेनेटिक्स में रवोल्यूशन्स में एटीन मार्क्स का है तो ये आपकी वेटेज है ओवरऑल सेवेंटी मार्क्स का बाकी जो सिक्स यूनिट की अगर पहले यूनिट की बात करें ट्वेल्थ क्लास की दैट मीन्स सिक्स यूनिट सो रिप्रोडक्शन उसमें आपका जो चैप्टर वन है देखिए यहाँ पे चैप्टर टू से स्टार्ट है यानी वन यहाँ से बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है दैट मीन्स कि उसमें से कोई भी आपका बोर्ड में नहीं आने वाला है ओके सो चैप्टर फिर थर्ड है आपका जो कि आपको स्टडी करना है फोर्थ है आपको जो स्टडी करना है सेम है यहाँ पर कोई भी चीज चेंजेस नहीं है सिर्फ आपका फर्स्ट यूनिट से एक फर्स्ट चैप्टर को रिमूव किया गया है फिर आप आपका आता है जेनेटिक्स एंड रिवोल्यूशन तो यहाँ पर फिफ्थ सिक्स आपके बिल्कुल सेम है जो पहले थे यहाँ से रिमूव किया गया है सेवन चैप्टर यहाँ से रिमूव किया गया है ओके दैट मीन्स कौन सा चैप्टर है सेवन आपका जैसे फर्स्ट चैप्टर तो आपका रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म था वो रिमूव हुआ है सेकेंड चैप्टर आपका इवोल्यूशन आपका रिमूव हो गया है यहाँ पर फिर आता है आपका यूनिट एथ बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर एट और टेन रिमेनिंग है आ, मतलब रिमेन है यहाँ पर लेकिन आपका चैप्टर नंबर नाइन यहाँ से रिमूव हो गया है ओके नाइन चैप्टर का नाम आपको पता है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसिंग एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन सो यहाँ से चैप्टर नंबर नाइन गायब है दैट मीन्स कि वो हट चुका है इस सेशन के लिए आपके यूनिट नाइन है बायो एंड इट्स एप्लीकेशंस तो यहाँ पर आपके जो चैप्टर्स हैं इलेवन एंड ट्वेल्व दोनों हैं आपके तो बाकी लास्ट यूनिट है आपकी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर थर्टीन भी है चैप्टर नंबर फिफ्टीन भी है दैट मींस कि यहाँ से फोर्टीन चैप्टर गायब है और फोर्टीन चैप्टर का नाम आपका क्या है इको सिस्टम एंड लास्ट चैप्टर है आपका सिक्सटीन जो कि यहाँ से गायब है सिक्सटीन चैप्टर आपका था एनवायरमेंटल इशूज तो वो भी आपका गायब है दैट मीन्स कि वो भी आपको नहीं पढ़ना है तो ओवरऑल आपके फाइव चैप्टर्स यहां से क्या हुए हैं डिलीटेड ओके सो फाइव चैप्टर्स आपके डिलीट हो गए दैट मीन्स कि इलेवन चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं आई होप आपको पता चल गया कि कौन से चैप्टर्स यहां से रिमूव किए गए हैं बाकी आपका है जो प्रैक्टिकल्स है क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी यहां पर रिमूव हैं ये आपका वेटेज है आपको इसको देख लीजिए फाइव मार्क्स फाइव फोर फाइव सेवन फोर फाइव जो कि प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो कि यहाँ पर नाइन थे तो तीन यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं और जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं तीन लगभग तीन यहाँ पर आपके स्पॉटिंग्स जो होती हैं वो यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं जैसे पोलिनेशन की एक स्लाइड्स होती थी तो वो वहाँ से रिमूव की गई है इस स्पॉटिंग में से एंड uh, जो प्रैक्टिकल से आपके जो क्वाड्रेट uh, मेथड से प्रैक्टिकल रिलेटेड थे क्वाड्रेट मेथड आपको डेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी निकालनी होती थी तो वो यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं so, सो ये प्रैक्टिकल्स uh, आपके वही है कि डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पर कि किस तरीके से होने वाला है आगे आ, अगस्त के बाद किस तरीके से पढ़ाई चालू होगी स्कूल में होगी कैसे होगी ऑनलाइन ही चलेगी जो भी है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर कैसे सिचुएशंस होंगी सो आई होप कि आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकल्स भी कितने रिमूव हैं लगभग तीन आपके जो लिस्ट प्रैक्टिकल करने की जो होती है परफॉर्म करने की वो हुए हैं तीन के लगभग एंड स्पोर्टिंग में भी आपके लगभग तीन रिमूव यहाँ से कर दिए गए हैं ओके सो so बाकी ये आपका प्रैक्टिकल है ये आपने देख लिया है सो so ओवरऑल आपको जो जो टॉपिक्स हैं वो चीज़ें आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी रिमूव की गई हैं एंड uh, बाकी ये प्रस्क्राइब बुक्स हैं आपकी जो कि आपको ईजिली पता है आप सभी को इवन पता क्या आप तो आपने लेकर भी रख ली होंगी सभी चीज़ें आप स्टडी कर रहे हैं अपने घर पे ये कुछ आपका डिमॉन्स्ट्रेशन है यहाँ पर कुछ कंपेंटेंसीज uh, हैं जो कि आपके बायोलॉजी के जो, जो जीरो फोर फोर कोड है उसमें यूज़ होती हैं तो आप किस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं फिफ्टी परसेंट आपके डिमॉन्सट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पर होते हैं थर्टी परसेंट आपके एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट के बेस पर होते हैं एंड ट्वेंटी परसेंट क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन एनालिसिस इवेलुएशनस एंड क्रिएशंस, ओके okay. और टाइपोलॉजी किस तरीके की होती है क्वेश्चन किस तरह की के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं तो वेरी शॉर्ट आंसर एम सी क्यूज एसरशंस हो सकते हैं वहाँ पर एंड शॉर्ट आंसर्स लॉन्ग आंसर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं केस बेस्ड हो सकते हैं पास सो ये क्वेश्चन इस तरह के और आपको लगभग थर्टी थ्री परसेंट के करीब चॉइसिस आपके क्वेश्चन में ओवरऑल देखी जा सकती है ओके थर्टी थ्री परसेंट चॉइस आपको वहाँ पर मिलेगी सो so, काफ़ी ईजी हो जाएगा अगर इतनी चॉइस आपको मिल रही है क्योंकि अब की बार भी इतनी चॉइस आई थी एग्ज़ाम में तो इतनी चॉइस आपको मिलने वाली है सो आई होप कि आपको ईज़ीली समझ में आ गया होगा वीडियो से और एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ दोनों के लिए है तो so, प्लीज़ अगर आप पसंद आया है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सक सकते हैं सो थैंक यू सो मच